चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली वाली आज की भी न्यूज़ हमारी रहेगी नोबल पुरस्कार से संबंधित। ठीक है, तो एनी एर्नॉक्स को लिटरेचर का नोबल साहित्य पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। फ्रांस की ये ऑथर हैं एनी एर्नॉक्स। ठीक है, ये जानी जाती थी उनके डिसेप्टिवली सिंपल नॉवल्स जो कि ड्रॉ करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस को, वो खुद क्या फील करती हैं, चाहे वो किसी भी क्लास की हो चाहे वो किसी भी जेंडर की हो। इनको थर्सडे के दिन अवार्डेड किया गया है नोबल प्राइज से साहित्य के क्षेत्र में। 82 साल की उम्र है। वाज ऑनर्ड फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूसिटी। एक्यूसिटी मतलब होता है तीक्ष्ण, विथ विच सी अनकवर्स द रूट्स। इसके अलावा स्ट्रेंजमेंट एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें यहाँ पर हमें सारे गुण दिखाई देते हैं। जड़ से जुड़ी हुई रचनाएं होती हैं, जमीन से जुड़ी हुई उनकी रचनाएं रहती हैं, पर्सनल मेमोरी पर आधारित इनकी रचनाएं होती हैं। और रिस्ट्रेंट वर्ड आया जिसका मतलब होता है मजबूरी, संयम या फिर कठोरता। अब हम बात कर लेते हैं स्कूल के सिलेबी की। बताया जा रहा है इनकी जो बुकें हैं सिलेबी, सिलेबस को यहाँ पर सिलेबी शॉर्टकट में बोला गया, इनकी जो रचनाएं रही थी लगभग 20 से भी ज़्यादा किताबें, मैनी ऑफ विच हैव बीन स्कूल टेक्स्ट इन फ्रांस फॉर डिकेड। दसों सालों से इनकी किताबें स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं फ्रांस में। ऑफर वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल सबटल इनसाइटफुल विंडोज इनटू द सोशल लाइफ ऑफ द मॉडर्न फ्रांस। और आप सोच सकते हैं कि जो आज का मॉडर्न फ्रांस है वहाँ पर इनके द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़ाई जा रही हैं, तो इनका उपन्यास भी बहुत बढ़िया ही होने वाला है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वर्ल्ड बैंक से संबंधित। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ हम देख रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत 5 इंटरनेशनल एंटिटीज बनाई गई हैं। पहली है IBRD, IDA। इसके अलावा भी और 3 संस्थाएं हैं जिन सबको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक्स ग्रुप बोला जाता है। इनमें से तो जो 2 संस्थाएं हैं IBRD और IDA, दोनों को मिलाकर के हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ में 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज़ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ 189 कंट्रीज़। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसमें 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं एंड 5 कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइजेशन। और 5 यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइजेशन भी है, संगठन भी हैं, कमिटेड टू एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग प्रॉस्पर्टी। ये सारे संगठनों का काम है गरीबी को कम करना और पूरे विश्व में प्रगति बनाए रखना, प्रॉस्पर्टी को बढ़ावा देना। वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है उसके 5 इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, संस्थाएं कौन कौन से, वो देख लीजिए आप। IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। MIGA मतलब मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। और है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। यहाँ पर पिक्चर और लोगों के माध्यम से इसको बताया गया है। अब इसकी इतिहास बताया जाता है कि यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन 1944 में किया गया था एंड रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका रिजल्ट क्या निकल करके आया था, यहाँ से IMF की स्थापना की बात निकली और कहा गया कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कब बनाइए, 1945 में, और IBRD आया 1944 में। तो जो IBRD था इसका कोर ऑब्जेक्टिव था लोन प्रोवाइड करना, यूज़ करना है लोन का
ताकि हेल्प किया जा सके रीबिल्ड कंट्रीज़। कंट्री की यदि इकोनॉमी ख़राब हो रही है, कंडीशन ख़राब हो गई है, तो उसको लोन दे दो ताकि फिर से वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सके। दैट हैड बीन डिवास्टेड बाय द वर्ल्ड वार सेकेंड। और ये जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड वार सेकेंड के चलते चलते प्रभावित हुई थी उनकी इकोनॉमी, तो उनको हमें रिकवर करना है। फिर बताया जा रहा है ग्रेजुअली द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन से डेवलपमेंट। पहले मेन फोकस हुआ करता था रिकंस्ट्रक्शन का, ठीक है, जैसे कि हम कई बार पढ़े हैं लोन में रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, मतलब कि हो सकता है ब्याज दर में चेंज किया जाए, हो सकता है आपको जो ब्याज दिया लोन दिया गया वो लंबे पीरियड के लिए कर दिया जाए, इस प्रकार से रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब यहाँ से इनका फोकस शिफ्ट हो गया कहाँ पर, डेवलपमेंट की तरफ की। नहीं, यदि हम किसी को दे रहे हैं तो वो देश विकास भी करना चाहिए विथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, रोड, ट्रांजिट, डैम, अदर प्रोजेक्ट रिसीविंग स्पेशल अटेंशन। तो इस प्रकार के कई सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर भी अब लोन दिया जा सकता। जैसे जैसे टाइम बीतते गया, कुछ और भी इंस्टीट्यूशन जैसे कि IDA, IDEA और IFC, ICSID सामने उभर करके आए, और जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID केम टू बी नोन एज वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और ये पांचों संस्थाएं जब इकट्ठी हो गई तो हमने इनको वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोल दिया था। करेंटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इन्वॉल्व है वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड फंड्स। आज के टाइम में ऐसा हो गया है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी संस्थाओं और फंड्स के माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहता है। तो मेन जो इसका फोकस रहता है वो क्या जोर देना है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, अंडर प्रिविलेज्ड कंट्री हैं, उनको थोड़ा सा हम पुश करें, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो विश्व की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है एंड नॉलेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इट्स 5 इंस्टीट्यूशन आर डेडिकेटेड टू रिड्यूसिंग पावर्टी, इंक्रीजिंग शेयर्ड प्रॉस्पर्टी, प्रमोटिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, लंबे समय तक के लिए विकास लाने का भी ये लोग काम करते हैं। मेंबरशिप की यदि हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो आपको IMF का मेंबर बनना पड़ेगा, तब जाके आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। द कंट्रीज मस्ट फर्स्ट ज्वाइन IBRD बिफोर दे ज्वाइन द IDA। IDEA को ज्वाइन करना तो उससे पहले आपको IBRD संस्था को ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर आप IFC और MIGA को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद बताया जाता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्री रिक्वायरिटीज मस्ट बी मेड टू बिकम ए मेंबर ऑफ ICDS। IBRD का मेंबर होना है, इसके अलावा आपको सिग्नेटरी बनना पड़ेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तीसरे नंबर की बात यह है इनविटेशन ऑफ द ICSID एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बाय द वोट ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबरशिप। वोटिंग का भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल से संबंधित। तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख रहे हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, संस्था है, और ये काम करती है यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंतर्गत, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं पूरे विश्व भर में उनको मजबूत करना है, उनको बढ़ावा देना, उनको प्रोटेक्शन करना है, इसके लिए ये जिम्मेदार मानी जाती है। इसके गठन की यदि हम बात करें तो इस काउंसिल को क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में। इसने रिप्लेस कर दी थी, पहले एक संस्था चलती थी यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को। इसके अलावा बताया जा रहा है OHCHR ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये काम करता है एज ए सेक्रेटरिएट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो सचिवालय यदि हम बात करें तो OHCHR ये सेवा प्रोवाइड करता है सेक्रेटरिएट के तौर पर, और OCHR का हेडक्वार्टर बनाया गया है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। मेंबर कंट्रीज़ की यदि हम बात करें तो ये मिलकर बनी है 47 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट के द्वारा, विच आर इलेक्टेड बाय द UN जनरल असेंबली, जिनका चयन किया गया है किसके द्वारा, UNGA के द्वारा।
अब बताया जाता है कि ये जो UNGA संस्था है, टेक इनटू अकाउंट द कैंडिडेट स्टेट कंट्रीब्यूशन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। इसका मतलब ये हो गया कि कोई राज्य किस प्रकार से अपने देश में ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, वो सारी बातें ध्यान में रखता है। इसके साथ साथ में वो वॉलंटरी बेस पर जो प्रतिज्ञा करते हैं और कमिटमेंट करते हैं ये सारे सब्जेक्ट में, उस हिसाब से मेंबरशिप ये बनते हैं। काउंसिल की जो मेंबरशिप रहती है वो किस आधार पर रहती है? इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर किसी एरिया को छोड़ दिए हैं, दूसरे को नहीं लिए हैं, तो पूरा जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें समानता रखी जाती। जैसे कि अफ्रीका से 13 देश लेंगे, एशिया पैसिफिक से 13 देश लेंगे, लेटिन अमेरिका और कैरिबियन स्टेट रहेंगी 7 सीट, वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट की रहेंगी 7 सीट, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से रहेंगी 6 सीट। अब ये जो काउंसिल बनाई गई है इसके जो मेंबर हैं ये सर्व करते हैं पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल तक काम करेंगे, और फिर बताया जाता है नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। यदि एक बार भारत का सिलेक्शन हो गया है तो तुरंत अगली बार के भारत को नहीं चुना जाएगा आफ्टर सर्विंग 2 consecutive terms। इसी में आगे कुछ प्रोसीजर और मैकेनिज्म बनाए गए हैं, उनका उल्लेख किया जाता है। एक है यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू, शॉर्टकट में कहें तो UPR। ये सेवा प्रोवाइड करता है ताकि एसेस कर सकें, अनुमान लगा सकें हम ह्यूमन राइट्स सिचुएशन की इन ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी देश हैं वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है उसको अंदाज़ा लगाना, उसका अनुमान लगाने का काम UPR करता है। सेकंड नंबर पर आ जाती है एडवाइजरी कमेटी, ये काम करती है एज ए काउंसिल्स थिंक टैंक, प्रोवाइडिंग इट विद एक्सपर्टाइज एंड एडवाइस ऑन द थीमेटिक ह्यूमन राइट्स इशूज। तो यहाँ पर इस कमेटी में हम देखेंगे बहुत सारे एक्सपर्टाइज लोग हैं, एडवाइस प्रोवाइड करने का काम करते हैं ह्यूमन राइट्स इशू को लेकर के। फिर आ जाती है कंप्लेंट प्रोसीजर, इसके अंतर्गत अलाउ किया जाता है पार्टिकुलर किसी इंडिविजुअल को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कि आप जो है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की तरफ अटेंशन दे सकते हैं काउंसिल को कि आप यहाँ पर देखिए ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, इसको आप सॉल्व करिए। फिर आ जाती है UN स्पेशल प्रोसीजर्स, दीज आर मेड अप ऑफ स्पेशल रेप्रोचर्स, यहाँ पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हमको देखने के मिलते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट रहेंगे एंड वर्किंग ग्रुप्स जो कि मॉनिटर करते हैं, एग्जामिन करते हैं और एडवाइस देते हैं एंड पब्लिकली रिपोर्टिंग करते हैं ऑन थीमेटिक इशू या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन राइट सिचुएशन इन स्पेसिफिक कंट्रीज। तो ये जो काम करते हैं वो स्पेसिफिक कंट्री में ही काम करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। न्यूज़ में क्या दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। न्यूज़ में बताया जाता है यूनाइटेड काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया है जिनजियांग के ऊपर, जो मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार का आरोप लगाया जाता है चाइना के ऊपर, इस पर किसी भी प्रकार की डिबेट नहीं हो पाई है। UN ह्यूमन राइट काउंसिल ने थर्सडे के दिन वोट दिया है अगेंस्ट होल्डिंग ए डिबेट, मतलब डिबेट का जो आयोजन किया जाना था उसके अगेंस्ट में वोटिंग हो गई है, जो कि आरोप लगाया जाता था चाइना के ऊपर कि वहाँ जो जिनजियांग रीजन है यहाँ पर वो उइगर मुसलमानों के साथ में क्या करता है, अत्याचार करता है, उनको डिटेंशन करता है, उनकी टॉर्चरिंग की जाती है। ना केवल यहाँ पर उइगर हैं, इसके अलावा भी कई सारी मुस्लिम माइनॉरिटीज शामिल हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इसरो के एक प्रोग्राम से संबंधित, जिसके अंतर्गत हम एक रोबोट को पहले अंतरिक्ष में भेजेंगे, उसके बाद इंसानों का एक दल अंतरिक्ष में जाने वाला है। जिस रोबोट को हम भेजने वाले हैं उसका नाम रखा गया है व्योम मित्र। व्योम मित्र संस्कृत भाषा के 2 शब्द से मिलकर के बना है, व्योम और मित्र, जिसका मतलब हो गया अंतरिक्ष और मित्र। इसरो द्वारा विकसित, इसको आप हाफ ह्यूमेनाइड बोल सकते हैं, ये प्रोटोटाइप एक महिला रोबोट है।
हाफ ह्यूमेनाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पैर नहीं रहेंगे, ये सिर्फ आगे और अगल बगल में झुक सकती है। व्योममित रोबोट को मानवीय गतिविधियों को समझने, उन पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सेंसर, कैमरा, स्पीकर, माइक्रोफोन, एक्चुएटर जैसी की तकनीक इस पर लगाई गई। व्योममित्र के कैमरा, स्पीकर और माइक्रोफोन रोबोट में लगे सेंसर से कंट्रोल होते हैं, और एक्चुएटर एक प्रकार से मोटर होती है जो रोबोट को झुकने, हाथ और उंगलियों को चलाने में मदद करती है। सेंसर, कैमरा और माइक्रोफोन इस रोबोट को मानवीय गतिविधि और अपने आसपास के वातावरण को समझने में मदद करती हैं। व्योममित्र इन टूल्स की मदद से सूचनाओं का आकलन करेगा, अध्ययन करेगा, इसके बाद इन सूचनाओं पर अपने स्पीकर और एक्चुएटर्स के माध्यम से बहुत ही कम समय में सटीक प्रतिक्रिया देने में ये सक्षम होगा। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि हम ह्यूमेनाइड, हाफ ह्यूमेनाइड जिसको आप बोल सकते हैं, इसको व्योममित्र को हम भेजने वाले हैं। व्योममित्र द ह्यूमेनाइड डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस रोबोट को डिजाइन किसने किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। और बताया जा रहा है गगनयान के अंतर्गत सबसे पहले तो हम इसको भेजेंगे और फिर बाद में इंसानों को भेजने वाले हैं। एक और संस्था का यहाँ नाम यहाँ बताया जाता है इनर्शियल सिस्टम यूनिट। इसके बारे में भी आगे बताया जाता है कि इनर्शियल सिस्टम यूनिट का आखिर काम क्या रहेगा। तो इसरो और IISU दोनों नहीं, दोनों की ही न्यूज़ काफ़ी रही थी 2020 में, क्योंकि इन्होंने अनवील किया था व्योममित्र को, जो कि एक फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट है। व्योममित्र माना जाता है हाफ ह्यूमेनाइड है, लैकिंग लोअर लिम्स, क्योंकि इसके नीचे के हिस्से पैर गायब कर दिए गए। IISU रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इसकी डिज़ाइन, डेवलपमेंट और इंट्रीग्रेशन ऑफ द रोबोट को लेकर के, जबकि जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है कहाँ पर, थुम्बा में, हेयर डेवलप्ड इट्स फिंगर्स, यहाँ पर इसकी फिंगर्स का डेवलपमेंट किया गया है। बताया जा रहा है ये जो रोबोट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, डिज़ाइन किया गया है टू फ्लाई एब्रॉड ए रॉकेट, ताकि ये रॉकेट में जा सके, विथ स्टैंडिंग वाइब्रेशंस एंड शॉक्स ड्यूरिंग द फ्लाइट। और ये भी ध्यान रखा गया है कि फ्लाइट जब होगी तो उस दौरान वाइब्रेशन और शॉक को ये क्या कर सके, सहन कर सके। फॉरेन वाले पेज से एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया जाता है बुर्किनो फासो में जो सेना का चीफ है ना, अभी नया नया बना है, उम्र उसकी 34 साल बताई जा रही है, और ये विश्व का सबसे यंगेस्ट लीडर माना जा रहा है। ये देख लीजिए पिक्चर आप यहाँ पर। तो एक हफ्ता पहले ही यदि हम बात कर लें, 34 साल जिसकी उम्र है इब्राहिम तावरे, एक हफ्ते तक इनको कोई जानता तक नहीं था, यहाँ तक कि बुर्किना फासो में। बट इन द स्पेस ऑफ वीकेंड, वीकेंड जैसे ही आया उन्होंने कैप्चर कर लिया था अपने आप को फ्रॉम आर्मी कैप्टन टू द वर्ल्ड्स यंगेस्ट लीडर, एन एसेंट दैट हैज स्टोक होप्स। इससे तो कुछ आशा जग जरूर रही है, लेकिन अभी देश गरीबी और क्रॉनिकली संकट से जूझ रहा है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम इकोनॉमी से देखने वाले हैं, पार्टिकुलर बात करेंगे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की, शॉर्टकट में कहें तो PMI। ये इकोनॉमिक इंडिकेटर माना जाता है, इसको तैयार करते हैं 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के। देयर आर 3 प्रिंसिपल प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, नेमली पहले नंबर इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट, शॉर्टकट में ISM, इसकी स्थापना हुई थी 1915 में, हेडक्वार्टर है एरिजोना USA में। सेकंड नंबर पर आ जाता है सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ परचेसिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट, स्थापना हुई थी 1972 में और इसकी लोकेशन है सिंगापुर में। तीसरे नंबर पर आ जाता है IHS मार्केट ग्रुप, इसकी लोकेशन है लंदन में,
IHS की स्थापना हुई थी 1959 में, मार्केट मर्ज विद IHS इन 2016। फिर बताया जा रहा है मार्केट को मर्ज कर दिया गया था IHS के साथ में 2016 में। तो जो PMI होता है वो वैल्यू प्रोवाइड करता है, इसके अलावा इसके जो कंपोनेंट हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं यूज़फुल इंसाइट प्रोवाइड करने के लिए। किसी भी देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस से संबंधित कैसी रही है, डिसीजन मेकर्स के लिए क्या होना चाहिए, मार्केट का एनालिसिस कैसा कर सकते हैं आप, और इन्वेस्टर के लिए भी कई सारी सूचनाएं प्रोवाइड करता है। तो कैसे करके PMI वर्क करता है इसके बारे में बताया जाता है। ये जो इंडेक्स होता है इसको रिलीज़ किया जाता है और कंपाइल किया जाता है किसके द्वारा, ISM के द्वारा हर महीना। द PMI वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन द सर्वे दैट इज़ कंडक्टेड मंथली। इसके लिए ये लोग हर महीने में सर्वे कराते रहते हैं और सेंड करते हैं किसको, सीनियर एग्जीक्यूटिव को। ये एंड सेंड टू द सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ ओवर 400 कंपनीज अंडर 19 प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट आर वेटेड बाय देयर कंट्रीब्यूशन टू US GDP। यहाँ पर बताया जाता है सर्वे में 5 क्षेत्रों को फोकस किया जाता है, यहीं पर परफॉर्मेंस को देखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट, न्यू ऑर्डर्स, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री लेवल, सप्लाई, डिलीवरीज को। अब देखिए जो संस्थाएं होती हैं सप्लाई मैनेजमेंट को लेकर के, इनको वेटेज दिया जाता है ऑल ऑफ दीज 5 सर्विस इक्वली। मतलब कि इतने जो कैटेगरी आप बांटे हैं सबका जो है हिस्सेदारी बराबर बताई जा रही। द हेडलाइन PMI इज नंबर विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 100। यदि किसी क्षेत्र में आपको 50 से ज़्यादा नंबर मिले हैं इसका मतलब ये हुआ है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसमें बढ़ावा हो रहा है। 50 से नीचे नंबर यदि मिल जाते हैं आपको तो इसका मतलब ये हो गया है आपके यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं हो रही है। वहीं हम न्यूज़ की बात कर लें तो बताया जा रहा है हमारे देश में जो सर्विस का सेक्टर रहा है इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी धीमी रही है। ठीक है, पिछले 6 महीने का डाटा आप उठा करके देख लोगे, कंपेयर करोगे तो उतनी ज़्यादा कोई खास प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं हुई है PMI की तरफ से ये सजेशन दिया जाता। तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर रहा है ये काफ़ी लो रहा है क्योंकि जो नए बिजनेस हैं, इसके अलावा यदि मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा जो आउटपुट ग्रोथ रहा है एट द स्लोएस्ट पेस सिंस मार्च के महीना से ही मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है S&P ग्लोबल इंडेक्स सर्विस परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स PMI के द्वारा। देखिए बताया जा रहा है अगस्त के महीने में 54.3% था, नहीं अगस्त के महीने में 57.2% था, परसेंट नहीं नंबर इसको बताया जा रहा है, और जो कि घट करके कितना हो गया है 54.3 अंक हो गए हैं।